हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं एक्चुअली यहाँ पर सुपर मार्केट में आई थी, ठीक है, कुछ सामान लेने के लिए। एंड आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस चैनल हो रहे थे, उसी को रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पर सारा सामान लेते हुए। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है वो एक कार्मिक फेमिनिन का है, ठीक है, जिसने अपनी उम्र को लेकर के ना ज़बरदस्त तरीके से झूठ बोला, ठीक है। लाइक उसने अपने आप को अडल्ट वगैरह बताया है, ठीक है, और वो इंटरमेट हुई, ठीक है, और आप इस मैस्कुलिन के साथ पता नहीं उसके रिलेशनशिप में क्या हुआ है। एंड एकदम से वो डिसाइड की कि वो थाने जाएगी और रिपोर्ट करेगी कि मैं अंडर एज हूँ और इस पर्सन ने मुझे सेक्सुअली असॉल्ट किया है एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। एंड जो मैसेज मैं इस बंदे के एनर्जी से रिसीव करी, इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि इस बंदे को आइडिया ही नहीं था कि ये बंदे एक्चुअली अंडर एज है, ठीक है। प्रॉब्ली बिकॉज वो लगती नहीं होगी या उसने प्लस ब्लाइंडली मान लिया। आई डोंट नो क्यों उसने माना, बट मान लिया। एंड अब जब आई डोंट नो उनके बीच में सेपरेशन हो रही है या समथिंग लाइक दैट, एंड दिस वुमन इज़ गोइंग लाइक लिटरली क्रेजी, सीरियस क्रेजी। वो आई लिटरली सॉ दिस गर्ल जो पुलिस स्टेशन के भीतर वॉक कर रही है। आई डोंट नो यहाँ पे और क्या गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। आई डोंट नो आप में से किसके लिए वो मैसेज था, बहुत ही ख़तरनाक मैसेज था, जिसके लिए भी था कि अगर ऐसे अंडर एज किसी के साथ ये मिक्स कर रहे तो यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है इस मैस्कुलिन के लिए। एंड इट्स काइंड ऑफ क्रेजी। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, और आज के सारे जो वीडियोज़ हैं वो शाम के टाइम पे पोस्ट होने वाले। अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट्री सेक्शन में मैंने पोस्ट डाल दिया था कि 7 बजे के बाद सारे जो मैसेजेस हैं वो पोस्ट होने वाले, तो आप लोग बैक टू बैक 8-8:30 बजे तक सारे मैसेजेस वीडियोज़ पोस्ट हो जाएंगे, सो उसका आप लोग इंतज़ार कर सकते हो।